हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम सुबह सुबह तैयार हो गए, तो आज हम जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। हम लेने जा रहे हैं बूस्टर प्रिकॉशन डोज। तो देखिए, हम पहुंच भी गए, हमने गए थे ठाकुर पुकुर एपोलो क्लिनिक में, वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था कोविन की तरफ से। तो हम, हमारे बेटी और बेटी के दोस्त तीनों देने जा रहे थे वैक्सीन। ये मेरी दोस्त है पीछे, वो भी आए थे बेटी के साथ। तो हम जा रहे हैं अपोलो क्लिनिक वैक्सीन लेने के लिए। तो साथ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक रहिए। लास्ट में रहेंगे आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप्स। डॉक्यूमेंट्स जमा करके रिसेप्शन में हम यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, दो बुद्धू को कैसे लग दिख रहा है, डोनाल्ड डक की तरह। वही मैंने बोली और ये हंस उठा। पुल डोनाल्ड डक की तरह दिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सब वैक्सीनेशन देने के लिए आए हैं। देखिए, हम चारों तरफ दिखा रहे हैं घुमा के सब। इतना अभी कोविड बढ़ रहा है यहाँ पे, इतने दिनों तक किसी का समझ में नहीं था, नहीं दूंगी ऐसा दिमाग में चल रहा था, पर अभी चल रहा है नहीं देना चाहिए। तो देखिए, हम ऐसे एक थोड़ा सा पीक भी डाले हैं, हम जो पिक्स खींचे वहाँ पे वो भी डाल चुके हैं। और देखिए, यहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन का, ये देखिए, ये रिसेप्शन है और हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। बेटी का दोस्त, शी इज गॉट वैक्सीनेटेड एंड देन तैयारी हो रही है मेरी बेटी के लिए। कोविशील्ड ले रहे हैं वो वैक्सीनेशन, एंड मेरी बेटी भी वैक्सीनेटेड हो चुका है, अभी उसका डन हो चुका है। अभी आए हैं मेरी बारी। देखिए, मैं बैठ गई हूँ, अभी मैं वैक्सीनेटेड हो जाऊँगी, अभी तक नहीं हुई हूँ। मेरी तैयारी चल रहा है बकरा बनने के लिए। तो चलिए, अभी मैं भी वैक्सीनेटेड हो जाऊँगी। देखिए, हम वैक्सीनेटेड हो जा रहे हैं। तो अभी लीजिए, अभी मेरा डन हो गया है, मैं भी वैक्सीनेटेड हो गई हूँ। तो चलिए, वैसे भी मैं वैक्सीन देने के बाद भी ओमिक्रॉन में काबू हुई थी, ओमिक्रॉन हुई थी मेरी। पता नहीं इस वैक्सीनेशन के बाद सिक्योर हो जाऊंगी कि नहीं, पर दिया है सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं 30 मिनट्स तक, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट्स तक वेट करना चाहिए। देखिए, सब लोग वैक्सीन लेने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। तो हम वेट कर रहे हैं 30 मिनट्स तक। 30 मिनट्स होने के बाद हम निकल पड़े। देखिए, हम उठ रहे हैं लिफ्ट में चढ़कर हम नीचे उतरेंगे। तो चलिए, हमारे साथ रहिए, हमारे पास रहिए, चलते रहिए हमारे साथ। तो चलिए, आज मेरा टिप्स मैं बता देती हूँ। जिसके पैर में बहुत बब्बू होता है शू पहनने में, उसके लिए 3 टिप्स है। एक तो वो 2 सॉक्स रखे जो अल्टरनेट करके 2 दिनों में पहने। आज पहने तो उसको धो डाले, फिर उसको कल पहने और नए सॉक्स आज पहने। नंबर 2 है, पैर को अच्छी तरह से साबुन से रगड़े और अच्छी तरह से जो गैप है उंगलियों के बीच में वो अच्छी तरह से धोए। और नंबर 3 है, और जो शूज़ आप पहनते हैं उसको भी बदल के पड़े। 2 पेयर शूज़ रखिए, आज एक पहने कल एक पहने, क्योंकि शूज़ सूखने में
आज का दिन टाइम मिले। तो ये रहा आज मेरा टिप्स। तो सॉक्स भी धो रखिए, शूज़ भी धो रखिए, और सॉक्स रेगुलर आप धो लीजिए तो आपके पैर में गंद नहीं होंगे। तो देखिए अभी हम लौट रहे हैं घर, और घर लौट के पूरा रेस्ट लेंगे और कुछ नहीं करेंगे आज। तो हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, घर पर जाके पूरा फुल टू रेस्ट। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।